अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे आवाज से पता लग ही गया होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मॉल आफ्टर 5 मंथ्स। तो यहाँ पे अब सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं खा रही हूँ रोटी, चाय एंड ऑमलेट। तो अब यहाँ पे हम जाने की तैयारी में मेकअप करेंगे, थोड़ा सा मेकअप। और यहाँ पे मीज़ान जो है वो मेरे आसपास घूम रहा है एज़ यूजुअल। तो यहाँ पे अभी मैं प्राइमर लगा रही हूँ बेनिफिट का, एंड देन उसके बाद ऑयल लगाऊंगी, रोज़ हिप गुड वाइब्स का ऑयल। बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्राई स्किन जो जिसकी भी है वो ट्राई करे। तो अभी अच्छे से हम मसाज कर लेते हैं, अच्छे से एकदम मसाज कर लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन जो है मेबलिन का। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है एंड डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो, कॉलेज तो नहीं जा सकते हैं अभी, ऑफिस भी पता नहीं जा सकते हैं नहीं जा सकते, वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे बैठ के ही फाउंडेशन लगा के वर्क फ्रॉम होम करें। तो देखिए इस तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर। तो जहाँ पे डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है। एंड देन उसको अच्छे से हम ब्लेंडर के मदद से उसे हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा अंडर आई पे। तो अभी चलिए ब्लेंड कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम एक्चुअली हम जाने वाले थे खाना खा के दोपहर का, तो 2 या 3 बजे के करीब। बट जो मेरा भाई है वो आया नहीं था ऑफिस से, तो इसलिए कॉल आ गया था और फिर लेट हो गया हमको। कॉल आ गया और फिर भाभी ने कहा कि भाई आ जाएगा 4 बजे तक, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। तो हमको लगभग 5 बज गया था निकलते। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लेते, थोड़ा सा बाल बना लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर्ल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है, लॉरियल का कॉम्पैक्ट। उसके बाद यहाँ पे सिवाना का ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ। सिवाना का ब्लश से ही मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है थोड़ा सा नोज पे, एकदम लाइट एकदम नेचुरल लुक। तो यहाँ पे अभी मैं लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एंड देन उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी फ्लोरमल की। फ्लोरमल मैंने ये दुबई से ख़रीदा था, यहाँ पे मुझे पता नहीं मिल रही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे वो ब्रांड मिलता होगा तो आप प्लीज़ मुझे भी बताया तो मैं भी परचेस कर सकूँ, मेरी ख़त्म होने आई है ऑलरेडी। एंड ये ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक का, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ दुबई में ख़रीदा था, बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है ये। थोड़ा ब्राउन टाइप शेड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे अभी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ईबा की जो लिक्विड लिपस्टिक है वो अप्लाई कर लूँगी। ईबा के सारे लिक्विड लिपस्टिक बहुत अच्छे हैं और मेरे पास सारे के सारे हैं, 6 जो है वो सब है मेरे पास। तो अभी यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेने के बाद वही जो लिपस्टिक मैंने फ्लोरमल की लगाया था वही मैं थोड़ा सा आँख के ऊपर भी लगा लूँगी, एकदम थोड़ा सा। एंड देन उसके ऊपर आईलाइनर लगा लेंगे, एंड देन मस्कारा लगा लेंगे, एंड देन वी आर रेडी टू गो। नहीं, फिर हम रेडी टू गो नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बाद कॉल आ गया था कि मुझे और 1-2 घंटा वेट करना है क्योंकि मेरा भाई लेट आने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो बाल है वो नीचे से थोड़ा सा कर्ल्स कर लूँ, अच्छा लगता है मुझे नीचे से जो थोड़े से बाल कर्ली होते हैं, तो फिर मैं वो करना स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे भी मैं अपना हेयर जो है वो कॉम कर रही हूँ। मुझे कर्लर से ज़्यादा जो स्ट्रेटनिंग मशीन से हम कर्ल्स करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर स्ट्रेटनिंग मशीन से ही करती हूँ कर्ल्स अपने। तो अभी हम फटाफट कर्ल्स कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कर्ल दिखता है ये। और मुझे ज़्यादातर पूरा ऊपर से कर्ल्स नहीं पसंद है, थोड़ा नीचे से ही अच्छा लगता है वो, तो ऊपर से स्ट्रेट नीचे से कर्ली। तो बस अभी हम अच्छे से कर्ल कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। थोड़ा वेट करना पड़ता है बट बहुत अच्छा लगता है। तो अब एक साइड जो है वो कर्ल हो गए है, एक साइड जो है वो स्ट्रेट ही है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और यहाँ पे मीज़ान का पोयम चालू है।
तो बस अभी दोनों जो साइड है वो मैंने अच्छे से कर्ल्स कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा पिन लगा लूँगी, थोड़ा पफ डाल के, साइड पफ डाल के, ताकि वॉल्यूम आ जाए अच्छे से। बट मैं ऐसे मॉल नहीं जा सकती, इसलिए मैंने फिर उसके बाद रबर बैंड बांध के पोनी डाल दिया था एंड मैं वैसे ही गई थी। बाल खुले रख के मुझे बहुत गर्मी होती है, तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा हेयर स्टाइल डाला है। तो अब हम निकल चुके हैं फाइनली, 4:45 तक निकल गए थे हम लोग। तो अब निशान जा रहा है एंड वो बाहर देख लेगा सबको और फिर चिल्लाने चालू कर देगा। तो अब गाड़ी आ चुकी है, जल्दी जल्दी जाते हैं विवियाना मॉल। तो माशाल्लाह क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था, ना धूप थी ना बारिश थी, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी एंड यहाँ पे काफ़ी लोग, देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी, कितना सुकून लगता है ये ग्रीनरी देख के। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं विवियाना मॉल। 5 महीने बाद मैं विवियाना मॉल आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है और इतना मतलब मज़ा आने वाला है मॉल में, शॉपिंग करने मिलेगी। और मैं मोस्टली शॉपिंग मिसान के लिए ही करती हूँ, जब से माँ बनी हूँ मैंने खुद के लिए शॉपिंग करना मैं भूल गई, और वो शायद कॉमन है, वो सब भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए बूमरैंग शूट कर रही थी। अब काफ़ी शॉपिंग के बाद हम थक गए थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्नैक खा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी है। और अब यहाँ पे मीसान जो है वो राइड कर रहा है कार में, और उसके बाद उसने उतरने का नाम लिया ही नहीं, बहुत रोया वो। तो देखिए वो एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह से। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, यही था हमारा विवियाना टूर। अब रात हो चुकी है, अब घर जाना है और सो जाना है बस। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़।